बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी के आह्वान पर एक बार फिर से रक्तदान के लिए युवा आगे आए हैं। बताते चलें कि जिला अस्पताल बागेश्वर में उपचार करा रहे बुजुर्ग को एबी पॉजिटिव रक्त की कमी होने पर धारी डोबा के खजान सिंह टंगड़िया मदद को आगे आए हैं। एक यूनिट रक्तदान कर पीड़ित के इलाज में टंगड़िया के द्वारा मदद की गई है। परिजनों को रक्त मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। युवक द्वारा सही समय पर की गई मदद के लिए मरीज और उनके परिजनों ने टंगड़िया का आभार जताया है। जिला अस्पताल में पांखू निवासी सुंदर सिंह 53 वर्षीय बुजुर्ग का उपचार चल रहा था। उनके शरीर में रक्त की कमी को देखते हुए चिकित्सकों ने तत्काल खून चढ़ाने की बात कही। रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य कन्हैया वर्मा को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल सोशल मीडिया पर अपील की, जिसे देखकर खजान सिंह टंगड़िया ने रेडक्रॉस सदस्य पवन थापा और एबीवीपी के अपने साथी हिमांशु जोशी से संपर्क किया और रक्तदान करने की इच्छा जताई। रेडक्रॉस की मदद से उन्होंने ब्लड बैंक जाकर एक यूनिट रक्तदान किया। इस मौके पर लैब टेक्नीशियन योगेश धर्मसत्तू और रेडक्रॉस जिला समिति के सदस्य कन्हैया वर्मा आदि मौजूद रहे। सूचना मिली कि 53 वर्षीय सुंदर सिंह जो बुजुर्ग थे उन्हें एबी पॉजिटिव की आवश्यकता थी, तो इसकी सूचना मुझे रेडक्रॉस और एबीपी के माध्यम से मिली और मैं तत्काल यहाँ आया और मैंने यहाँ एक यूनिट ब्लड डोनेट किया। और आपसे मैं कहता हूँ आप सभी की मदद के लिए रक्तदान ही महादान है। आज रेडक्रॉस सोसाइटी की कपूर टीम ने भगर क्षेत्र में जाके कुंदन राम जी के घर पे आपदा राज सामग्री वितरित की है। इनका घर बीते दिनों आई आपदा में ध्वस्त हो गया और जिला अस्पताल बागेश्वर में भर्ती सुंदर सिंह जी के लिए रक्तदान हेतु आज खजान सिंह जी जो डोबाधारी के निवासी हैं वो आगे आए और उन्होंने एक यूनिट रक्तदान किया है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि मानवता की सेवा में होने वाले समस्त कार्यों में अपना योगदान बढ़ चढ़कर दें। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।